क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आ गया हूँ, ठीक है। बाकी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक ढेर सारी वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो बहुपद है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बच्चों प्लीज़ चेक कर लेना, प्ले लिस्ट जो मैंने बना रखी है। मेरा दावा है कि उन्हीं वीडियो में से ही, उन्हीं क्वेश्चन में से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहे हैं ये जो बहुपद दे रखे, इसके घात कितनी है, ठीक है। तो अगर अगर आप ध्यान पूर्वक देखो, एक्स की अधिकतम घात ली जाती है। अगर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा आएगा। और अगर इसको ढंग से पूरा हल ही कर देता हूँ, जैसे ये 300 को एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x, फिर 3 को 4 से गुणा करोगे 4 3 आ जाएगा 12, फिर एक्स को एक्स से गुणा करोगे माइनस के एक्स स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x। तो इसको ढंग से लिख देता हूँ, माइनस के एक्स स्क्वायर 4x और 3x, ये हो गया 7x माइनस के 12। तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद इतने हो, प्रथम पद मतलब ए, अंतिम पद मतलब ए एन 10, तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा। 6 पद वाली पोल रखा है, यानी कि एन बराबर क्या है, 6 है। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन। ये तब लगाते हैं जब हम प्रथम और अंतिम पद मालूम होते हैं, है कि नहीं। तो ए हमारा दे रखा है 2, सॉरी एन हमारे पास अच्छा है बट्टे में 2, ए हमारे पास दे रखा है 2 और ये 10, 2 3 और ये आ जाएगा 12, 12 3 क्या हो जाएगा 36। तो आपका उत्तर हो जाएगा 36, ठीक है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आपसे ये बोल रहे हैं, बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, अगर एक्स अक्ष बोला है ना तो वाई वाला उत्तर होगा। दूरी क्या होगी, या नेगेटिव के 4 है, तो दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो आपका आंसर आएगा प्लस के 4, ठीक है। एक्स के लिए वाई वाला देखते हैं, वाई के लिए एक्स वाला देखते हैं। कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है, देखो ये 2 पर पी बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। देखो इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है, बार लग गए हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो बचा ये, इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावृत्ति है, तो ये कट, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। कह रहे के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। कोई हल का कंडीशन क्या होता है, ए वन बट्टा ए टू बराबर होता है बी वन बट्टा बी टू बराबर नहीं होता है सी वन बट्टा सी टू, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से तुलना करोगे, x का गुणज ए वन 3 और इधर x का गुणज 2k-1, बी वन वाई का गुणज प्लस का 1, ठीक है, और इधर y का गुणज ये भी प्लस का 1, सी वन की जरूरत है नहीं, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के, देखो ये आ जाएगा 2k+1, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं, इन दोनों को बराबर लेंगे, क्योंकि बराबर के चिन्ह में तिरछे गुणा करेंगे 2k-1 और ये हो जाएगा 3 1 3, ठीक है। तो माइनस के 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो 2k=4, ठीक है ना, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 2 2 4, तो k का मान कितना हो गया बच्चों, 2, ठीक है। तो k का मान हो जाएगा 2, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे किसी द्विघात समीकरण, ठीक है, वास्तविक मूल कब नहीं होता है। देखो वास्तविक मूल तब नहीं होता है जब d का मान ऋणात्मक है, यानी कि 0 से छोटा है। d मतलब b² - 4ac, तो ये ऑप्शन नंबर c सही हो जाएगा। b² - 4ac का मतलब 0 से छोटा होने पर नहीं होगा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है इनको मिलाने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु अगर वो बिंदु x, y है, ठीक है, तो x के लिए सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, इसका पहला वाला जुड़ेगा, इसके बाद वाला जुड़ेगा, इसका पहला वाला मतलब, है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बट्टे में 2। देखो प्लस का x माइनस का x कटा, 6 और 4 10, बट्टे 2 2 5 10, तो x निर्देशांक कितना आ गया 5। अब आपको y निकालना है, सूत्र होता है y1 + y2/2, y1 है y प्लस 5 और y2 है 3 - ky, प्लस का y माइनस का y का 5 और 3 8/2 2 2 4, तो y निर्देशांक आ गया 4, तो आंसर होगा 5, 4।
ठीक है, ये आपको आपका उत्तर मिल गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं साइन ए बराबर 1/2 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, 2 sin a cos a का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, साइन का मान दे रखा है तो कॉस का मान निकाल सकते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, √1 - sin² a। ठीक है, यहाँ से कॉस का मान निकालेंगे। साइन का मान क्या, 1/2 वर्ग है, वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लिया, लॉस ऑफ 4 × 1 = 4, इसके गुणा इसके साथ 4 × 1 = 4, 1 × 1 = 1, तो ये हो जाएगा 3/4। 3 का वर्गमूल √3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ पे मान रखो, साइन का मान है 1/2, कॉस का मान है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। 2 tan 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√3। यहाँ पर वही चीज़ है, इसका वर्ग है तो हम इसका वर्ग कर देंगे। ऊपर ऊपर गुणा होती है, 2 × 2 √3, है ना। इधर देखो, 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3, √ हट जाता है, ऊपर तो चलो जो है वो है, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लो, 3 × 3 और 1 × 1, ये आ गया 2/√3। ठीक है, नीचे आ गया 2/3, इसकी गुणा इसके साथ होता है भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 × 3/√3, तो 2 से 2 कटा 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3/√3, √3 से √3 का क्या बचा, √3, तो आपका उत्तर आ जाएगा √3। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते, ठीक है, कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक, हमें क्या निकालना है बच्चों, अभाज्य संख्या। देखो पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो उसमें क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से अभाज्य संख्या कौन होती है। अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5, जो सिर्फ खुद के बारे में आते हैं, किसी और से नहीं घटते। प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम 3/6, 3 × 3, 3 × 2 = 6, आंसर आ जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है, इस आंकड़ों का माध्यक बताना है कि क्या होगा। माध्यक क्या होता है बच्चों, माध्यक बोले तो पहले हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। माध्यक में किस क्रम में लिखना पड़ता है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है, 0, उसके बाद 1, 0 हो गया 1 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या है, 7, उसके बाद है 8। ठीक है ना, कितनी संख्या है, 3, 4, 5, 6, 7, विषम है, एन आपका विषम है। तो विषम में क्या होता है, इधर से 3 हटाओ, इधर से 3 हटाओ, बीचों बीच वाला आता है। ठीक है, तो माध्यक हो जाएगा 3। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है। ठीक है, बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है, मैं 60 दे रखा है, तो आपको यहाँ से x का मान बताना है। ठीक है, कि x का मान क्या होगा। बारंबारताओं का योग 60 है तो इन सबको जोड़ने पर 60 मिलेगा। तो देखो यहाँ से पहले अंकों की गिनो, 15 और 5 = 20, 40, ठीक है, 5 = 45, 45 और 7 = 52, तो 52 + x, इन सबको जोड़ेंगे तो 60 आएगा, तो प्लस के 52 इधर के क्या हो जाएगा, -52, तो आंसर आ जाएगा 8। तो x का मान कितना होगा, 8। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये बीच वाला पद क्या होगा। देखो प्रथम पद हमारे पास a बराबर क्या है बच्चों, 5 है। दूसरा, तीसरा, चौथा पद a4, ये 9, 9 × 18 और 19/2 है। ठीक है, चौथे का मतलब होता है a+3d, ये हमारे पास दे रखा है 19/2, और a का मान हमारे पास है 5, ये हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 3d 19/2 प्लस का 5 इधर के माइनस का हो गया, लॉस ऑफ 2 आ जाएगा, 5 × 10, तो ये बचा 9/2, यहाँ 3d था, 3 × 3 = 9, तो d का मान आ गया 3/2। ठीक है,
अब हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी। तो ए आपके पास 5 है और डी आपके पास 3/2। लॉसोपा 2, 2 5 10 और 3, 13/2। तो ये आ जाएगा 13/2। फिर आपको तीसरा पद निकालना है, तीसरा ए प्लस 2 डी। पहला पद है 5 और डी का मान कितना है, 3/2। 2 से 2 कटा 5 प्लस 3, ये आ गया 8। तो दूसरा पद आएगा 8। ठीक है, कह रहे हैं ये रैखिक समीकरण है और ये कंडीशन है, तीनों बराबर हैं, तब रेखा कैसी होती है, समपाती रेखा होती है। ठीक है, कैसी होती है, समपाती। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आपको एक रेखाखंड खींच रहे हैं, उसको दो अनुपात में एक विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई सेंटीमीटर में माप के आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करेंगे, आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ मैं, हालांकि ये प्रश्न 7, 11.1 का पहला प्रश्न है। तो आपको क्या करना है बच्चों, 7.5 बोला है, हाँ 7.5 कई रेखाखंड खींचेंगे हम, ये देखो खींच दिया। इस रेखाखंड को ये मैंने लिख दिया ए बी, इसका 7.5 का है। फिर आपको बोला है 2:1 में विभक्त करना है ना, तो यहाँ से ए से 2 और 1 को जोड़ो, कितना आता है, 3। तो 3 3 9, 9 तक मैं लेता हूँ, 3 3 का 3 3 सेंटीमीटर को एक खंड मान रहे हम। ये आपका A1 आ जाएगा, ये A2, ये आपका A3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है। क्या बोला, 2:1, यहाँ पर 2:1 ऑटोमेटिकली। सो देखो बच्चों क्या करना है, एक चाप लेना है आपको, पहला वाला चाप इस वाले से बड़ा लेना होता है। यहाँ से आप एक चाप खींचेंगे, वही चाप आपको 2 पे 4 लेके खींचना पड़ेगा। ये खींचा आपने, फिर आपको जो चाप आपने खींचा उनके बीच की दूरी लेनी है, फिर ये यहाँ पर रख के खींच देना है कटंग, इसको मिलाते हुए रेखा खींच दो। आप देखेंगे कि ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, अगर समानांतर है तो आपने सही किया है, इसका नाम सी दो। तो ये 2:1 में विभक्त हो गए। अब बड़े वाले भुजा को माप कर लिख देना है, ठीक है, आंसर कितना आएगा। सो माप के लिखो, इसको रखेंगे 0 पे। ठीक है, सो थोड़ा बहुत देखेंगे तो ये कितना आ रहा, 5। ठीक है, 4 दशमलव, ये देखो 5.1 आ रहा है। तो बड़े भाग की नाम भुजा की माप क्या हो जाएगी, 5.1। तो यहाँ लिख देंगे 5.1, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कह रहे हैं बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। सूत्र क्या होता है, X1 - X2 का वर्ग, Y1 - Y2 का वर्ग। 3 में से 4 कटाएंगे, -1 का वर्ग और ये -7 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, तो ये 50 हो जाएगा। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5, 2 का जोड़ा नहीं बना, तो आंसर आ जाएगा 5√2 मात्रक। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा बच्चों 5√2 मात्रक, ये उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर तो देखते ही पता लग गया 0 होगा, क्योंकि 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, और माइनस का चिन्ह तो आंसर 0 आएगा। बहुलक बताना है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार है, फिर 3 देखो 2 बार है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, बार बार बोल रहा हूँ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या ये तीसरी है आपकी, यहाँ आपको 72 लिखना है, काटिए इसको, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं हम, 120 को काटेंगे, 2 6 0, 2 3 0,
दो एकम दो पंजे, तीन पचे 15, पाँच एकम 5, ठीक है ना। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है बच्चों, 3 बार, 3 है 2 बार। यहाँ पे आ जाए, दो कितनी बार है बच्चों, 3 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पहले देखना होता था कि दो चीज़ दोनों में आ रही है, एलसीएम निकालना है। तो जो दोनों में और उसकी अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात कितना है, 2, और ये 5, तो 8, 9, 5, 8 45 गुणा 9, 4 9 36, पीछे से 0, ठीक है। तो आपका उत्तर आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे द्विघात बहुपद ज्ञात के जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हैं। सेकंड वाला पार्ट है दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के 3, और शून्य का गुणनफल दे रखा है 2, ठीक है। हमें निकालना द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर शून्य को का योगफल क्या, माइनस के 3, अल्फा बीटा कितना है 2, सो माइनस माइनस प्लस, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में आ जाओ, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है तीसरे वाले में, सो शून्य ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख देंगे शून्य के लिए क्या किया जाता है बच्चों, शून्य माना, बहुपद को शून्य माना जाता है, तो गुणनखंड विधि लगाते हैं। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 8 और घटाने पे 2 आए, 4 2 8, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, घटाने का चिन्ह है, जब भी घटाने का चिन्ह हो ब्रैकेट लगा के मान रखना। तो माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ो यहाँ से एक जोड़ो, ओके बच्चों। पहले जोड़े से एक्स उपायनिष्ठ, यहाँ से 4 उपायनिष्ठ, एक्स बाहर आ गया, 2 उपायनिष्ठ एक्स बच्चा 2 चौके 8, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यानी कि आपने सही किया है। तो जो चीज़ 2 बार उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उपनिष्ठ निकाला है उसको चिन्ह से दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। यदि एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस के 4 इधर आके क्या हो गया, प्लस के 4। यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया बच्चों, माइनस का 2। ये आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका आराम से बन गया। आगे आ जाओ, कह रहे हैं 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है, इस समस्या का रैखिक समीकरणों के रूप समीकरण युग्म प्रदर्शित कीजिए, यानी कि सिर्फ समीकरण बना के दिखाना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चौथा नंबर। माना एक एक पेंसिल का मूल्य, यह मान लेते हैं कि एक्स रुपये है, तथा एक पेन का मूल्य वाई रुपये है, ठीक है। फिर हम यहाँ आ जाएंगे प्रथम शर्तानुसार, नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ द्वितीय शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया बच्चों कि 5 पेन और 7 पेंसिल, एक की कीमत एक्स है तो 5 की कीमत होगी 5x, और 7 पेन एक की वाई है तो 7 की क्या हो जाएगी, 7y, कुल कीमत है 50, समीकरण एक। और दूसरे वाले में बोल रहे हैं 7 पेंसिल यानी कि 7x, 5 पेन यानी कि 5y, कीमत है 46, बस समीकरण बनाना था, आंसर आ गया। अगले प्रश्न में आइए, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, यानी कि हल करके प्रॉपर वे में लिखना है। तो देखो बच्चों दिया है, हमें क्या गिवन दे रखा है, एक्स माइनस 2 माइनस के एक्स, यहाँ है 3x माइनस के एक्स माइनस के 2। देखो ये
प्लस के एक्स माइनस के एक्स कटा, यहाँ से सिर्फ माइनस के दो बचा, गुणा कर देंगे, तीन एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात दो और माइनस तीन दूनी छः, ठीक है, तीन दूनी छः एक्स, और ये माइनस का दो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का दो, उधर कुछ बचा नहीं तो जीरो आ गया द्विघात समीकरण के रूप में आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित कीजिए। भाई साहब बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का आएगा, करके दिखाना पड़ेगा ना इनको। चलिए करते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, यह है 5, ठीक है, आपकी आंखों के सामने 5 सेंटीमीटर लिया। अब इस रेखाखंड को द्वि समद्विभाजित करना है, तो एक चाप ले लो, यहाँ से काटो, वही चाप ऊपर ले जाओ, इसको बिना हिलाए डुलाए यहाँ रखो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, इस अब इनको मिलाते हुए रेखाखंड खींच दो, ठीक है, ये हो गया समद्विभाजित, इसका नाम ए, ये बी था, ये सी आ गया, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी, ए सी आपका 2.5 होगा, ये भी आपका 2.5 होगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे आ जाइए, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी कि विभक्तिकर निकालना पड़ेगा, तो देखिए बच्चों कैसे होगा, मूलों की प्रकृति बतानी है ना, ये हमारा 7वां प्रश्न है, चूँकि ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर माइनस के 8 है और सी के स्थान पर माइनस के 16 है, ठीक है, चूँकि डी यानी कि विभक्तिकर, जब भी मूलों की प्रकृति निकालनी है यानी कि आपको विभक्तिकर निकालना है, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी है माइनस के 8, 4, ए है 3, सी है माइनस के 16, 8, 8, 64 नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4, 3, 12 गुणे 16, तो देख के ही पता लग रहा है पॉजिटिव का ही आएगा, 12×6 72, हाथ से लगा 7×12 12 और 7 19, 4×2 6 9 और 6 15 256, चूँकि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, ये आपको आपका आंसर आराम से मिल गया। आगे बढ़ जाऊँ अगले प्रश्न में, कह रहे हैं यदि बिंदु ये बिंदु इतने और इतने का मध्य बिंदु है तो x का मान क्या होगा, तो हमारे पास एक बिंदु P, रेखाखंड पी क्यू पी आर, पी हमारे पास है 5.4 माइनस के और आर हमारे पास है ये, और ये जो बिंदु है ना इसका मध्य बिंदु है, बीचों बीच वाला बिंदु, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये इसके बीचों बीच वाला मध्य बिंदु है, और आप जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे दो होता है, एक्स की जगह क्या है 0, एक्स वन है 5, एक्स टू है एक्स बट्टे में 2, ये 0 इधर आके 2×0 0 इधर है 5 प्लस एक्स, तो प्लस के 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5, तो एक्स का मान क्या हो गया बच्चों माइनस के 5, ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है ज्ञात करते हैं, यहाँ हमारे पास है 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60, ठीक है बच्चों यही है, तो देखो बच्चों मान निकालना है, 10×45 का मान 1 होता है, रख दिया, कॉस 30 का मान होता है 1/2, नहीं नहीं √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, फिर साइन 60 √3/2, प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 का वर्ग 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2×1=2। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदे हैं,
इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा यानी कि बिना देखे निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल है? 10वां प्रश्न दिया है, क्या दिया है बच्चों? लाल गेंद। लाल गेंद हमारे पास तीन है, उसके बाद काली गेंद। काली गेंद कितनी है? पांच। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी होगी? कुल गेंद हो जाएगी तीन और पांच को जोड़ दीजिए यानी कि आठ। तो हमें क्या निकालना है? लाल गेंद आने की प्रायिकता। इसलिए लाल गेंद आने की प्रायिकता, सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? लाल तीन, कुल परिणाम आठ। तो आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं टेन ए कॉट बी के बराबर है, तो सिद्ध करना है। अच्छा, ए प्लस बी का मान बताना है कि क्या होगा। 11वां प्रश्न है, तो आपको दिया है टेन ए बराबर कॉट बी। ठीक है, तो जब भी बराबर हो दोनों तरफ समान करना होता है, टेन करो या दोनों तरफ कॉट करो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समान करने होते हैं। और आप जानते हो, क्या जानते हो? कि जो टेन थीटा होता है उसे हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90, थीटा की जगह पर ए है। ठीक, तो कॉट से कॉट हट जाएगा, 90 माइनस ए, इधर बचेगा बी, माइनस का इधर आगे प्लस, और इधर हो तो ऑलरेडी बी है। तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? 90 होगा। ठीक हो गया, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इस बंटन का माध्य क्या होगा? ठीक है, इस बंटन का माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताते हैं, इसमें आ जाएंगे। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है? जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है ना, उनको जोड़ दो। 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी संख्या उससे भाग दे दो। अब इन सबको जोड़ो। देखो जोड़ना है, 4 और 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13 14, हासिल लगा 1। 1 2 3, 3 और 2 5, 6 6, हासिल 1 था, 6 और 1 7, 6/7, भाग दे दो। 2 3 2 3 6, ठीक है, और 2 7 14, सैंतीस बट्टे तीन, भाग देंगे 3 1 3, 3 1 3, डिस्टर्बेंस हो गया था ना, भाग 3 1 3, 3 2 6, 10 में लग जाएगा, 1 बचेगा ना, 10 हो जाएगा, 3 दिया 9, 3 दिया 9 चलता रहेगा, तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन फटाफट चेक करो और बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।